डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन इन गुड़गांव एंड दिल्ली NCR. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस. सो ट्यूबरक्लोसिस और टीबी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड इन फैक्ट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी इन टूडेज एरा. स्टिल बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो टीबी से अफेक्ट होते हैं और कई बार ये टीबी डायग्नोस लेट होता है जिससे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. इसलिए हमें इसको डायग्नोस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए. सो ट्यूबरक्लोसिस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? टीबी सिर्फ लंग को ही अफेक्ट नहीं करता है. इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो इट कैन अफेक्ट द ब्रेन, इट कैन अफेक्ट द हार्ट, इट कैन अफेक्ट द बोन्स, इंटेस्टाइन्स एज वेल एज जेनिटल एरिया. और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है, सिम्टम्स वेरी करेंगे. अगर किसी पेशेंट को हेडेक, वॉमिटिंग या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब कि अनकॉन्शियस हो रहा है या फिर सीजर आ रहे हैं तो ये टीबी का भी एक सिम्टम हो सकता है. अगर किसी को ब्रेथलेसनेस है, खांसी आ रही है तो ये हो सकता है हार्ट का टीबी हो. कई बार लोगों को स्वेलिंग्स हो जाती हैं तो स्वेलिंग्स टीबी के कारण भी हो सकती हैं, जिसको कि लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं या फिर लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं. कई बार लोगों को पेट में कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, वेट लॉस, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब होता है तो ये इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकता है. और कई बार इनफर्टिलिटी लाइक महिलाओं में कंसीव नहीं कर पाना, ये जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकता है. मेन में कई बार स्वेलिंग या फिर सूजन आ जाना जेनिटल एरिया में, दिस कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस. सो टीबी के प्रेजेंटेशंस बहुत डिफरेंट हैं और इसको हमें डायग्नोस करना ज़रूरी है. ये डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? देखिए, अगर किसी भी पेशेंट को मान लीजिए फीवर आ रहा है या फिर वेट लॉस है या फिर रात के समय पसीना आ रहा है या फिर खांसी है मोर देन 2 वीक्स के लिए, तो इसके अलावा जो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए उसमें टीबी की संभावना हो सकती है. और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है उसके अनुसार हमें जांच भेजनी होगी. जैसे कि अगर मान लीजिए लंग का टीबी है तो और बलगम निकल रहा है तो उसमें स्पूटम एग्जामिनेशन होगा, जो कि हमारे टेस्ट जैसे कि AFB स्टेन, AFB कल्चर एज वेल एज जीन एक्सपर्ट के लिए भेजा जाएगा. इसी तरीके से अगर मान लीजिए ब्रेन का टीबी है, हार्ट का टीबी है या फिर बोन या फिर स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है या फिर जेनिटल एरिया का है, तो अगर हम वहाँ से टिश्यू ले सकें या फिर कोई भी टिश्यू ले सकें, उसको हमें AFB स्टेन, कल्चर्स एज वेल एज हिस्टोपैथोलॉजी एंड ऑफकोर्स मॉलिकुलर एसेज जैसे कि जीन एक्सपर्ट एक्स्ट्रा या फिर जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा और स्पायरो सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जा सकता है ताकि उसकी डायग्नोसिस हो सके. इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जो हमें ये भी बता सकते हैं कि ये ससेप्टेबल टीबी है या फिर रेजिस्टेंट टीबी है. वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इन दोनों का ही ट्रीटमेंट एकदम अलग है. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, तो हमारे पास इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं जिससे कि टीबी क्योर हो सकता है. ये इम्पॉर्टेंट है कि ये दवाइयाँ सही डोज में ली जाएं जो कि वेट बेस्ड होती है एंड यूजली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स विच इज़ गिवन. सो वी नीड टू गिव वेट बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी विथ रेगुलर मॉनिटरिंग डिपेंडिंग अपॉन कि कोई सिम्टम्स या फिर कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, उसको देखते हुए रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए. सही डोज में देना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमें ये ससेप्टेबल टीबी को ठीक करना है, ना कि इफ़ सपोज द ड्रग्स आर गिवन इन सब ऑप्टिमल डोजेस देन इट विल रिजल्ट इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ इवन मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट. सो हाउ डू वी प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस? प्रिवेंशन के लिए देखिए, अगर लंग का ट्यूबरक्लोसिस है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ इसको अर्ली डायग्नोस किया जाए और दूसरा ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों में स्प्रेड ना हो, और मास्क पहन के रखें. इसके अलावा
अगर मान लीजिए किसी को विटामिन डेफिशिएंसीज है, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये भी प्रीडिस्पोज करता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बाकी और कुछ जैसे स्मोकिंग या फिर अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन करना, उससे भी ट्यूबरक्लोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी डाइट और अच्छी गुड हैबिट्स उसकी वजह से हो सकता है। सो इस तरीके से हम टीबी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कीपिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। आई होप आपको थोड़ा बहुत टीबी के बारे में पता चल गया होगा, और इन केस इफ यू वांट टू इंक्वायर और हैव सम क्वेरीज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।